जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की एक और बड़ी भर्ती 2021 के बारे में। बेसिकली इतनी बड़ी वैकेंसी के रूप में तो नहीं है, बट ये आपकी जो भर्ती निकाली है ये आपकी जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया गया है। और जो आपकी भर्ती निकाली है ये आपकी जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE, और इसमें जो आपके डिसिप्लिन रखे गए हैं वो आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल है। इसमें यहाँ पर आपके 48 पद निकाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा। वैसे तो ये डिपार्टमेंट बड़ा है इसलिए बड़ी भर्ती है, बट वैकेंसी के तरफ से देखा जाए तो इसमें आपके काफ़ी कम पद निकाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपोर्टेंट डेट है वो आपको यहाँ पर बताई गई है कि आप लोग इसमें 2 फरवरी 2021 से लेकर के 15 फरवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जब आपका 2 फरवरी 2021 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप ये कमेंट करेंगे कि सर हमें वीडियो चाहिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर दोस्तों इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा की डेट रखी गई है वो आपकी 8 मार्च 2021 रखी गई है। तो आपको अभी तो 2 फरवरी 2021 का वेट करना है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा होने वाला है, यानी कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी इंपोर्टेंट डेट है वो आप यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिए। इसमें आपका सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, और डेट यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो एज लिमिट है अभी ये एक्सपेक्टेड है, एग्जाम आपको 2 फरवरी को क्लियर हो जाएगी। तो इसमें आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच होने वाली है। और यहां पर जो आपकी एज काउंट है वो कब तक की जाएगी ये तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आने पर मालूम होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो आपकी फॉर्म फिलअप की 15 फरवरी 2021 डेट है, इस डेट तक ही आपकी एज काउंट की जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, यानी कि क्या सैलरी आपको इस पोस्ट पर दी जाएगी, तो यहां पर दोस्तों आपको इस पोस्ट पर जो आपका बेसिक स्टार्टिंग पे है वो आपका 21,400 रुपये है पर मंथ। इसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी में जो बढ़ोतरी है वो होगी और आपको यहां पर 34,990 रुपये तक दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर दोस्तों अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और यहां पर आपके उसके अंदर 65% होने चाहिए। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो यहां पर आपको छूट दी गई है, आपके 55% हो गए तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें कि आपके 55% होने चाहिए नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है तो अगर आपके 45% भी हो गए तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार से JEE इलेक्ट्रिकल पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा ही मांगा है उसी डिसिप्लिन में, और जो परसेंटेज लिमिट है वो यहां पर आपकी सेम रखी गई है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पर ये एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी ये जो आपकी लास्ट भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग है। तो यहां पर आपसे बोला है कि JEE सिविल पर अप्लाई करने के लिए आपसे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा होने के बाद में, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप डिग्री के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर, जो कि यहां पर मैंशन किए हैं। सेम तरीके से JEE इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर भी ये जो एक्सपीरियंस है वो लागू होता है। एप्लीकेशन फीस यहां पर अगर देखा जाए तो SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि इंटीमेशन चार्ज सिर्फ यानी कि फीस कोई नहीं है वो 50 रुपए है। जनरल OBC और जो आपके अन्य कैटेगरी बचते हैं जो ऊपर कैटेगरी दी है इनको छोड़ करके उनके लिए 450 रुपए फीस रखी गई है। 400 फीस होगी और 50 आपका इंटीमेशन चार्ज होगा जो कि आप ऑनलाइन माध्यम से जमा कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी आपकी इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंट करके बता देना है। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।